भाइयों को सुबह की राम राम, छोटों को नमस्कार, बड़ों को नमस्कार, सत श्री अकाल। सुबह सुबह कबूतर खोल दिए हैं मैंने अपने कबूतर। कल शाम को मैं खोल नहीं पाया था तो सोचा चलो अभी खोल देते हैं, खोल देते हैं। अपने कबूतरों को मैं कभी कभी सब्जी दाल वगैरह खिला देता हूँ। देखिए ये वाइट कलर का कबूतर मेरा काफ़ी टाइम पुराना है, करीबन इसको 4 से 5 साल हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन कबूतर है ये, काफ़ी उड़ाया भी है मैंने, करीबन 12, 12:30, 1 बजे तक सुबह उड़ाया है तो 12:30, 1 बजे तक आ गया है। और इसका बच्चा तो पिछली सर्दी में 3-4 बजे तक बैठा हुआ था कबूतर। इस साल तो मैंने उड़ाई ही नहीं है क्योंकि टाइम के चलते कबूतर उड़ाना पॉसिबल नहीं है, मगर क्या करें, जब भी मन करता है, जब भी टाइम होता है, कबूतरों को खोलकर उनको दाना खिलाने की कोशिश करता हूँ कि भाई जितना टाइम हो सके उतना टाइम कबूतरों को खोलकर दाना खिला सकूँ। आप ये देख सकते हैं ये काला कबूतर है, ये मैंने पिछली सर्दियों में 3-4 बजे तक उड़ाया था और काफ़ी अच्छा कबूतर है, देख सकते हैं आप, मादी के ऊपर घुटक रहा है ये, बहुत ही अच्छा कबूतर है। अब पहले जैसे कबूतर मेरे पास रहे नहीं हैं क्योंकि कुछ तो कबूतर मेरे बीमारी में मर चुके हैं, कुछ कबूतर मेरे उड़ाने पर चले गए। और क्योंकि आपको ही पता है कबूतर पालते हैं, कबूतर जब भी पालो तो प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए 6 घंटे कबूतर अगर ऊपर उड़ रहा है तो आपको 10 घंटे की मेहनत कबूतर के लिए आपको नीचे चाहिए, जिससे आपका कबूतर अच्छे से उड़ सके। कोई भी जानवर हो, कोई भी पक्षी हो, आपकी मेहनत के अनुसार चलता है और उड़ता है। अगर आपकी मेहनत अगर अच्छी रहेगी तो आपका कबूतर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा।